गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रत्ययों के बारे में पढ़ाया। प्रत्यय आपके टेंथ के अंदर चार अंक के आते हैं, जिसमें पहला प्रत्यय उसकी परिभाषाएं, और पहला प्रत्यय हमने आपको मत्व प्रत्यय पिछले वीडियो में बताया था। आज हम आपको त्व प्रत्यय और टाप प्रत्यय के बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो हम देखेंगे, पहले तो मैं और बता देता हूँ आपके कि प्रत्यय आपके कौन कौन से चलते हैं। तीन प्रत्यय चलते हैं, मतुप, त्व और टाप, जिसके अंदर मतुप प्रत्यय मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया। आज हम आपको त्व और टाप प्रत्यय के बारे में बताने जा रहे हैं। मतुप प्रत्यय और त्व प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय तो हैं तीन अंक के, और टाप प्रत्यय है वो है एक अंक का, यानी टोटल चार अंक के ये प्रत्यय आपके एग्जाम में आएंगे। अब पहला हो गया था त्व प्रत्यय है, त्व प्रत्यय इसकी नियम क्या है, वो करने का तरीका क्या है, वो इसमें लिख दिया मैंने। इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा पद बनाने के लिए किया जाता है, यानी जिसके अंदर किसी का भाव जल के उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग संज्ञा विशेषण पदों के साथ होता है, संज्ञा या फिर विशेषण पदों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। त्व प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में होता है, यानी न तो वो स्त्रीलिंग रहेगा न पुल्लिंग रहेगा, उसकी विशेषता यह रहेगी कि वो शब्द है वो सदैव नपुंसक लिंग में मिलेगा आपको, यानी अंत में विशेष रूप से ये ध्यान रखना है उस शब्द के अंत में आपके उसमें शब्द में अंत में मैं मिलेगा, तो ये समझ लेना कि वो त्व प्रत्यय है। अब देखिए, जैसे पद है, पद या शब्द ये प्रत्यय है, जैसे गुरु शब्द या प्रत्यय है, और त्व है प्रत्यय वाला, इसको त्व लगा दिया तो इसको हमने मिलाया गुरुत्वम, गुरुत्व और नपुंसकलिंग होने के कारण अंत में इसके हमने मैं लगा दिया। उसी तरह देव प्लस त्व देवत्व, और सदैव नपुंसकलिंग होने के कारण इसका हम अंत में मैं लगा देंगे। तो देखो, देवत्वम प्रचंड प्लस त्व प्रचंडत्वम, घन प्लस त्व घन प्लस त्व घनत्वम, यानी आपको इस प्रत्यय को त्व प्रत्यय इसको पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि इस शब्द के अंत में आपके अंत में मैं मिलेगा, और वो भी बड़ी ये है कि अंत में त्वम त्वम जहाँ कहीं भी मिले ये समझ लेना कि उसके अंदर आपको त्व प्रत्यय करना है। तो ये तो हुई इस त्व प्रत्यय की बातें, बाकी की जो भी आप उदाहरण अपने पाठ्य पुस्तक देख कर लेंगे। दूसरा प्रत्यय है टाप प्रत्यय, ये आपके एक अंक आएगा, यानी तीन अंक के तो आएंगे मतुप और त्व प्रत्यय, और ये टाप प्रत्यय है ये आएगा आपके एग्जाम में एक अंक का। तो ये एक स्त्री प्रत्यय का है, और इसके अंदर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इस टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और टाप के अंदर आ शेष रहता है आ, यानी ये टाप है इसका लोप हो जाता है और इसके अंदर शेष आ बचता है आ। तो यह टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए अकारांत पुल्लिंग, यानी जिसके अंत में अ हो, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी टाप प्रत्यय वहीं मिलेगा आपको या लगाना पड़ेगा जहाँ अकारांत पुल्लिंग है, यानी कहने का मतलब कोई शब्द है उसके अंत में ए हो और वो पुल्लिंग है, और अगर उसको हम स्त्रीलिंग बनाना चाहेंगे तो उसके अंदर हम आपको टाप प्रत्यय लगाना पड़ेगा। अब वो टाप का शेष रहता है आ, ये टाप है, प और ट इसके अंदर समाप्त हो जाते हैं और केवल आ शेष रहता है। अब आगे देखिए, तीसरा इसका है मैन पॉइंट, अकारांत वर्ण क के पूर्व, यानी कोई शब्द है उसके अंत में क है और इसके पूर्व वाले वर्ण में, पूर्व वाला वर्ण है उसमें ई का आगम होता है, यानी आपको जो क है अंत में उसके पहले जो शब्द कोई भी वर्ण है उसमें आपको वहाँ ई लगा देनी है, ई की मात्रा जोड़ देनी, छोटी ई की मात्रा। तो जैसे देखिए, ये अकारांत शब्द है या वर्ण है, टाप प्रत्यय निर्मित शब्द। तो देखिए, जैसे नायक है, नायक उदाहरण के लिए नायक है, नायक प्लस टाप, टाप का हमने बताया टाप का केवल आ शेष रहता है आ,
नायक प्लस आ, इसको हमने मिलाया क्या हो जाएगा नायका। पहली बात तो हमें इस नियम के अनुसार देखना है कि ये अकारांत पुल्लिंग है या नहीं। नायक है बोलने में, वैसे प्रतिगत नायक एक पुल्लिंग शब्द है और अंत में ए भी है, इसलिए इसको स्त्रिंग मतलब स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके अंदर हमने टाप का प्रयोग किया। टाप का रहा आशीष, तो इसको मिलाएंगे नायका। और इस नायका के बाद में ये तीसरा पॉइंट ये कह रहा है नियम कि अकारांत वर्ण, अकारांत वर्ण कह के पूर्व, अकारांत वर्ण है कह के पूर्व, ये कह अकारांत पूर्व वाले वर्ण में, यानी इससे पहले वाला वर्ण कौन सा है, वर्ण में ई का आगम हो जाएगा, यानी कह है इससे पहले वाला वर्ण है इसके अंदर ये, पहले वाला वर्ण है ये, तो ये में किसका आगम हो जाएगा ई का, छोटी ई का, तो यहाँ बन जाएगा नायका था नायिका हो गया, यानी नायक से नायिका हो जाएगा। उसी तरह है मादक, मादक के अंदर टाप प्रत्यय हमने लगाया, टाप का क्या शेष रहेगा आ, क्या बनेगा इसको मादक और आ को जोड़ेंगे हम, नायका मादगा, सॉरी मादगा बनेगा। अब मादगा के अंदर भी ये है कै, कैसे पूर्व वाला वर्ण बताया अकारांत वर्ण है, इसके कै के पूर्व वाले वर्ण में ई का आगम करना हो, ई का आगम यानी ये कै है इससे पहले वाला इसमें वर्ण कौन सा है द, तो इसके अंदर आप छोटी ई लगा देंगे तो यहाँ बन जाएगा मादिका। उसी तरह अभिभाव कै प्लस टाप, टाप का शेष रहेगा क्या आ, इसको हमने मिलाया अभिभाव का हो जाएगा, अभिभाव का है अभी नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार कि कै है उससे जो पहले वाला वर्ण है उसके अंदर आपको छोटी ई की मात्रा लगा देनी है, तो क्या बन जाएगा अभिभाविका, ये का है इससे पहले वह है, वह में आपको ई की मात्रा लगा देनी है छोटी की, तो अभिभाव का बन जाएगा। उसी तरह ये लेखक है, लेखक एक पुल्लिंग शब्द है, अगर हम इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो टाप प्रत्यय लगाना पड़ेगा और टाप के शेष रहता है आ, तो क्या हो जाएगा लेखका। लेकिन ये नियम क्या कह रहा है कि अकारांत कै है उससे पूर्व वाले वर्ण में आपको ई का आगम करना है छोटी ई का, तो क्या हो जाएगा लेखिका। तो ये पूर्ण रूप से प्रत्यय आपके तीन चक्र हैं, पिछले वीडियो में मतुप था, आज के वीडियो में त्वय और टाप प्रत्यय हैं, तो इसको आप कम से कम प्लीज बच्चों कम से कम दो या तीन बार इस वीडियो को देखें। ये सिर्फ आपको ये नियम है ना, ये आपको याद रखने हैं, तीन नियम इसके हैं और तीन इसके हैं, यानी बड़ी भारी बात नहीं है, यानी छोटा सा वीडियो है, पिछला वीडियो था 10-11 मिनट का और शायद 8-9 मिनट का ये वीडियो होगा। अगर इसको आप देखेंगे तो आपके चार अंक आराम से, आप चार अंक इसको आराम से हासिल कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।